जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, तभी से जुलाना में एक डार्विन प्लेटफॉर्म नाम की कंपनी के कर्मचारी समाज सेवा के लिए एक रसोई चला रहे हैं। इस रसोई में हर रोज 250 से 300 लोगों का भोजन पैक कर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। इसमें सहयोग करने के लिए महिलाएं भी आगे आ रही हैं और महिलाओं ने इस रसोई में सहयोग देने के लिए जहां हलवाई द्वारा सब्जी मेन्यू से सामान तैयार करवाया, वहीं महिलाएं भी रोटियां बनाने में सहयोग दे रही हैं। एक तरफ जरूरतमंदों के लिए सब्जी और अन्य सामान तैयार होता है और उसे पैक किया जा रहा है, तो वहीं महिलाएं चूल्हे की रोटियां तैयार कर इस रसोई में पैक कर भेज रही हैं। खाना बनावा जी गरीब बच्चा के लिए, जो मेरे भाई से उठा रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर ये काम इतना करांगे, इतने दिन वह कहेंगे और इतने दिन ये बंद रहेगा। जो घर नहीं पहुँच पा रहे, जो गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, उनके लिए बना रहे हैं। जितने दिन जी हमने सेवा में लगी, इतने दिन बनावांगे, चाहे छह महीने लग जाओ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? हमने बहुत अच्छा लग रहा है जी, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। के करा भाई, ये बालक सेवा उठा रहे हैं और यो बीमारी का गवर्नमेंट में ये दोनों सारे फैल गया, इस करके ना भाई बालक सेवा उठा रहे हैं, इनकी गे लाखन की मदद करवा दे हैं, इनका भी सारा हो जाए भाई, हमने भी मरा मोटा न्यू मिल जाए, अपन दानक भाई कर दे। जो गरीब लोग हैं, मजदूर व्यापारी लोग, वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, मजदूरी के लिए उनको कोई समाधान नहीं है और भूखे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम कर पाएँ उन लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम खाना प्रोवाइड करने की हमारे यहाँ प्लानिंग है और हम रेगुलर इसको करीब 12-15 दिन से ज़्यादा हमें हो गए खाना पैक करते हैं यहाँ, और उनके घर पे जाके बाकायदा पूरी सेफ्टी के साथ उनको दिया जाता है।